दोस्तों इस वीडियो में हम एजुकेशन लोन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि एजुकेशन लोन क्या है, विद्यार्थी एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं, कौन कौन से बैंक विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन देते हैं, उस एजुकेशन लोन की शर्तें क्या होती है, यानी कुल मिलाकर के एजुकेशन लोन से संबंधित सारी बातों को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि एजुकेशन लोन क्या है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो लोन एजुकेशन यानी पढ़ाई के लिए दिया जाता है वही एजुकेशन लोन है। आज के समय में देश में जितने भी बैंक हैं वह सभी विद्यार्थियों को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोन देती है। इसका मतलब है कि यदि विद्यार्थी कोई ऐसा कोर्स करना चाहता है जिसकी फीस काफी ज्यादा है और एक मिडिल क्लास या फिर गरीब परिवार से होने के कारण वह विद्यार्थी वह फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ऐसे में वह बैंक के पास जाएगा, लोन के लिए अर्जी भरेगा और बैंक उसे एजुकेशन लोन दे देता है। उस एजुकेशन लोन को जब विद्यार्थी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी नौकरी लग जाती है तब उसे अपनी नौकरी की सैलरी से बाद में वह लोन चुकाना होता है। इस तरह से बैंक और विद्यार्थी दोनों का फायदा हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एजुकेशन लोन को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों यह बात हो गई कि एजुकेशन लोन क्या है, अब बात करें कि विद्यार्थी एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं या उस एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप एक विद्यार्थी हैं और आपको एजुकेशन लोन लेना है तो सबसे अच्छा यही रहता है कि आप एक बैंक को चुन लें कि मुझे इसी बैंक से एजुकेशन लोन लेना है और उसके बाद उस बैंक में जाकर संपर्क करें। बैंक में कर्मचारी होते हैं जैसे कि बैंक मैनेजर आदि, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उस बैंक द्वारा दी जाने वाली एजुकेशन लोन से संबंधित सारी बातें आप वहां जाकर पता कर सकते हैं। इन सारी बातों का मतलब है कि उस एजुकेशन लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट क्या होगा, आपको किन शर्तों का पालन करना होगा, यानी कि कुल मिलाकर के एजुकेशन लोन से संबंधित सारी बातें। आप जब सारी बातें पता कर लेंगे और आपको लगेगा कि यह एजुकेशन लोन की स्कीम मेरे लिए सही है तब आप उस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करने से पहले एक बहुत जरूरी बात यह होती है कि जो विद्यार्थी लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए, यानी कि आप बैंक को जो बताएंगे कि मेरा इस कोर्स में दाखिला हुआ है और मैं इसके लिए एजुकेशन लोन ले रहा हूं, तो आपको बैंक को वह एडमिशन लेटर दिखाना होता है कि मेरा एडमिशन हो चुका है, अब मैं उस कॉलेज में जाऊंगा, उस कोर्स की पढ़ाई करूंगा और उसके लिए मुझे फीस की जरूरत है और तभी वह बैंक आपको एजुकेशन लोन देगा। तो दोस्तों एजुकेशन लोन लेने के लिए सबसे जो मुख्य डॉक्यूमेंट होता है वो वही हो जाता है, यानी कि आपका एडमिशन लेटर। इसके अलावा जो आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपके अभिभावक का आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर उनका इनकम प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जैसी चीजें जो लगती हैं वह तो लोन के लिए लगती ही है। तो दोस्तों ये सारी कुछ जरूरी बातें थी एजुकेशन लोन से संबंधित। अब दोस्तों यदि आपको एजुकेशन लोन के बारे में और भी अच्छे से विस्तार से जानना है तो मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको गूगल में जाकर सर्च करना है अच्छी लोन। दोस्तों अच्छी लोन का स्पेलिंग जो होगी वो आप लिखेंगे ACHILOAN, अच्छी लोन .in। दोस्तों ये टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आपके सामने इस वेबसाइट का लिंक खुलेगा, आपको उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप उस वेबसाइट को ओपन करेंगे उस वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको अलग अलग लोन से संबंधित सारी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी, चाहे वो एजुकेशन लोन के बारे में हो, चाहे वो पर्सनल लोन के बारे में हो, चाहे बिजनेस लोन के बारे में। उस वेबसाइट में आपको हर एक लोन की जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। वहां नीचे सर्च बार में आप एजुकेशन लोन सर्च भी कर सकते हैं, जिसके बाद आपको एजुकेशन लोन से संबंधित सारी बातें विस्तार से देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह आप इस वेबसाइट के माध्यम से एजुकेशन लोन से संबंधित सारी बातें विस्तार से पता कर सकते हैं। दोस्तों यह एक काफी अच्छी वेबसाइट है जो आपको लोन से संबंधित हर प्रकार की जानकारी विस्तार से दे देती है। तो दोस्तों इस वीडियो में एजुकेशन लोन से संबंधित इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे कि उस तरह के विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंचे जिन्हें एजुकेशन लोन की जरूरत हो और इसके माध्यम से वो इसके बारे में अच्छी जानकारी ले सके। अगर एजुकेशन लोन से संबंधित कोई सवाल आपके मन में हो तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।